क्या है स्थिति? अशोक, पहले आप एक अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद फिर हम अपडेट्स पे जाएंगे। बिल्कुल अंकित, देखिए बीजेपी 11 सीटों पर है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 11 वो कौन कौन से सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। मैं प्रत्याशियों के नाम के साथ बता देता हूं। दुमका सुनील सोरेन लीड कर रहे हैं, और ये किसे पछाड़ रहे? बसंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई, शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन पीछे चढ़ रहे हैं। जामा सीट से सुरेश मुर्मू आगे चल रहे हैं। डॉक्टर लुइस मरांडी पीछे चल रहे, जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आई थी। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री में इनकी गिनती होती थी। जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट पूर्व मंत्री रहे हैं। बादल पत्रलेख वो पीछे चल रहे हैं। मधुपुर सबसे हॉट सीट अंकित, मधुपुर गंगा नारायण सिंह यहाँ पर लीड कर रहे हैं। बता दें कि हाफिजुल हसन जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो पीछे चल रहे हैं। महागामा यहाँ से अशोक कुमार भगत लीड कर रहे हैं अंकित, और यहाँ से जो पीछे चल रही है वो कोई आम महिला या प्रत्याशी नहीं है बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दीपिका पांडे सिंह वो पीछे चल रही है। बरही से मनोज कुमार यादव आगे चल रहे हैं। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस की, अंबा प्रसाद उन्हें पछाड़ रहे हैं। जमुआ से मंजू कुमारी आगे चल रही है। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी, बेरमो से रविंद्र कुमार पांडे, देखिए राजेंद्र सिंह के बेटे हैं अनूप सिंह, उन्हें पछाड़ रहे हैं। एक दिग्गज नेता के रूप में, एक बाहुबली के रूप में उनकी छवि है, उसे पछाड़ रहे। और रविंद्र कुमार पांडे पूर्व में सांसद भी रहे हैं। धनबाद राज सिन्हा यहाँ पर लीड कर रहे हैं। झरिया देखिए, झरिया वो सीट है अंकित जहाँ पर देवरानी और जेठानी और देवरानी वाली बात वहां पर है। दो परिवार के बीच राजनीतिक अवादत हो, प्रतिद्वंदिता हो, और जिस प्रकार से 5 साल पहले जो घटना हुई थी, गोलियों की तड़तड़ाहट जो झरिया में गूंजती थी, आज कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से जनता परिवर्तन ला रही है। और वहां पर देखिए रागिनी सिंह जो बीजेपी की उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह जो वर्तमान में कांग्रेस की प्रत्याशी है, विधायक भी है, वो पीछे चल रही है। पोटका सीट काफी हॉट सीट है अंकित। पोटका से मीरा मुंडा आगे चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी है मीरा मुंडा, वो आगे चल रही है। उन्हें लगभग 16,910 वोट मिले, तो आप समझ सकते हैं कि मीरा मुंडा का काफी अच्छा, और एक तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की भी साख लगी हुई थी दांव पर, तो लग रहा है जैसे वहां की जनता उन्हें बचा देगी। और रांची देखिए फिर एक बार इतिहास लिखने जा रहा है अंकित, हालांकि थोड़ा सी जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन इतिहास इसीलिए क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई 7वीं बार अगर चुनाव जीत जाता है तो एक तरह से झारखंड विधानसभा के लिए इतिहास लिखा जाएगा। सीपी सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। 5600 वोट उन्हें मिले हैं, और लगभग 2500 वोटों से वो महुआ मांझी को पछाड़ रहे हैं। कांके सीट की बात करो तो डॉक्टर जीतू चरण राम यहाँ से आगे हैं। डाल्टेनगंज में आलोक चौरसिया और गढ़वा में सत्येंद्र नाथ तिवारी, ये बीजेपी की थे अंकित। मैं और भी दूसरे, और देखिए जो लीडिंग जो बीजेपी का वो एकाएक बढ़ा है अंकित, 17 सीटों पर लीडिंग चली गई है बीजेपी। 17 सीटों पर लीडिंग में बीजेपी चली गई है, और 2 सीटों पर आजसू घट गई यानी 19। और देखिए लीडिंग का मैं फाइनल आंकड़ा भी आपको बता देता, झारखंड मुक्ति मोर्चा 13, कांग्रेस पार्टी 9, आरजेडी 4 और सीपीएमएल 3, और जेएलकेएम जिस पार्टी का चर्चा हो रहा था, एक नई पार्टी उभरी है, 2 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें भी गिनवा देता हूँ अंकित, कौन कहां से लीड कर रहे हैं। बरहेट सुपर हॉट सीट, हेमंत सोरेन यहां से लीड कर रहे हैं, लगभग 2500 वोटों से हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं। गमालियन हेमरम पीछे चल रहे हैं। लिट्टी पाड़ा हेमलाल मुर्मू यहां से लीड कर रहे हैं। सिमरिया में मनोज कुमार चंद्रा लीड कर रहे हैं। डुमरी देखिए, डुमरी में बेबी देवी लीड कर रहे हैं। डुमरी वही सीट है जहां पर एक और टाइगर कहे जाते थे जगन्नाथ महतो, हालांकि उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को प्रत्याशी बनाया गया और उन्हें भी मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये लीड कर रही है। चंदन कियारी देखिए, चंदन कियारी अंकित ध्यान देने वाली बात है, चंदन कियारी नेता प्रतिपक्ष 5000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर बैक चल रहे हैं अंकित। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के कदावर नेता और मुख्यमंत्री की रेस में इनका भी नाम काफी तेजों से चल रहा था। अमर कुमार बावरी ये उमाकांत रजक से पीछे चल रहा है। ये उमाकांत रजक बता दूं कि पहले आजसू पार्टी में हुआ करते थे, एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, हालांकि जब टिकट कटा या जब उन्हें पता चल गया कि ये टिकट बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी के फोल्डर में जाएगा, तो उन्होंने पाला बदला, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए थे और उस दिन मैं सीएम हाउस में था, मैं इसलिए बता रहा हूँ अंकित कि क्या वहां पर हुआ था। मैं सीएम हाउस में था और मुख्यमंत्री जैसे ही उन्हें अपने दल में शामिल करवाया तो उन्होंने क्या कहा था अंकित कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बाद अगर किसी को मैंने बड़ा भाई माना है, बड़े अभिभावक के रूप में माना है, तो वो है क्रांतिकारी और आंदोलनकारी चंदन कियारी से उमाकांत रजक।
उमाकांत रजक आप समझ सकते हैं अंकित की लगभग 7,000 वोटों से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को पछाड़ रहे हैं। ऐसे भी कहा जा रहा था कि अमर कुमार बावरी के लिए थोड़ी सी समीकरण खराब हो गई है। और देखिए बहुत हॉट सीट में ये सुमार है और इस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। इसके साथ ही मैं अगले सीट की बात कर रहा हूँ अंकित, वो है टुंडी। यहाँ से मथुरा प्रसाद महतो लीड कर रहा है। मथुरा प्रसाद महतो के लिए काफी वहां पर टफ फाइट नहीं था अंकित, उनकी एक ऐसी पृष्ठभूमि बन गई है और एक कदावर नेता है और इनका एक बड़ा जानाधार है महतो वोटर के बीच, तो उनके लिए ये सीट लोगों को अंदाजा था। बहरा गोड़ा समीर कुमार महंती लगातार दूसरी टर्म वो विधायकी के चुनाव में आए हैं और लीड कर रहे हैं। घाटशिला से रामदास सोरेन, रामदास सोरेन घाटशिला, फिर आप ध्यान दीजिएगा अंकित ये घाटशिला वही सीट है जहां से कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में उतरे हैं। और देखिए हेमंत सोरेन कैबिनेट के मिनिस्टर रामदास सोरेन से वो लगभग 2500 वोटों से पिछड़ रहे हैं, यानी जहां पिता आगे चल रहे वहीं बेटा पिछड़ रहा है। चैबासा दीपक बिरुआ ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मंझगांव से निरल पूर्ति आगे चल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं। और चंद्रपुरा से सुखराम उराव कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, लीड कर रहे हैं। खरसावा दशरथ गगरई लीड कर रहे हैं। खूटी राम सूर्य मुंडा, देखिए खूटी की भी बात बताऊं मैं अंकित कि जब से झारखंड गठन हुआ खूटी सीट पर नीलकंठ सिंह मुंडा जीतती आए हैं, 5 टर्म लगातार उन्होंने जीत दर्ज किया है। लेकिन शुरुआती रुझान में अंकित, शुरुआती रुझान में 4500 वोटों से वो पिछड़ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा हॉट सीट है। बिल्कुल, अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नीलकंठ सिंह मुंडा उन चेहरों में शामिल होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितनी उनकी खदावर छठी बार हो चुनावी मैदान में, लेकिन